गाइस नमस्कार और आप सबको दिल से मिलियन एंड मिलियन टाइम थैंक यू आप सबके प्यार के लिए आप सबके आशीर्वाद के लिए दोस्तों और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि ये गुडनेस हम दूसरों को भी बांट सके। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमें एंजल नंबर दिखते हैं 11, 11, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, लेकिन हमारे मैनिफेस्टेशन हमारे सामने नहीं आते। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम मैं कंटिन्यूसली एंजल नंबर तो देख रहा हूँ लेकिन मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम और श्याम एक बार दिल्ली जाने के लिए कार से निकले, दोनों अलग अलग कार से निकले। रास्ते में राम को एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर दिखा जिस पे लिखा था 500 किलोमीटर, दिल्ली यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। श्याम को भी दिखा। राम तो कार लेकर आगे बढ़ गया लेकिन श्याम उस मील के पत्थर को कस के पकड़ कर बैठ गया कि यही मेरा दिल्ली है, ठीक है। लेकिन एक दिन बैठा रहा, दो दिन बैठा रहा, पर उसे दिल्ली का ना तो कुतुब मीनार दिखाई दिया, ना दिल्ली का राष्ट्रपति भवन दिखाई दिया। और दो दिन के अंदर जो राम है वो दिल्ली पहुंच गया। तो अब इस कहानी में एक सीख चुकी है दोस्तों, जब हमें साइंस दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, 11, 11, 2, 2, 2, 3, 3, 3 या किसी तरह का भी साइन दिखता हो, तो क्या है, साइंस हमें ये बताती है कि तुम सही राह पर जा रहे हो। साइन हमारे लिए मील का पत्थर है जो हमें बताती है कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तुम्हारे पास आ रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा या एंजल्स हमसे बात करना चाहते हैं, मे बी वो हमें कुछ चाहते हैं झोली में डालना, लेकिन वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग निगेटिव थाट्स, हम निगेटिव सोच रहे हैं, हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। तो क्या होता है, हम खुद ही अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। तो साइंस हमारी हेल्प करते हैं हमें देखने के लिए, समझने के लिए। तो जब एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो पहली चीज़ आप ये समझो कि एंजल नंबर कोई टेक्निक नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंजल नंबर एक साइन है परमात्मा की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो पहली चीज़ क्या करनी है, आपकी अपनी वाइब्रेशन को आपको हाई करना है। यू नीड टू बी इन द स्टेट ऑफ फीलिंग गुड। जब आपको 11, 11 दिखे, 2, 2, 2 दिखे, 3, 3 दिखे, इस समय मुझे 10, 10 बहुत दिखते हैं। So 10-10 is a sign of spiritual awakening, being immersed in love and happiness, और जो मैं चाहती हूँ वो लाइफ में आ रहा है, and it's working like अपने आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग पास आ रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, सेमिनार्स हैं, हर चीज़ में मतलब ईश्वर की हेल्प मिल रही है, हीलिंग में या किसी भी चीज़ में। तो आई नो दैट इट इज़ हैपनिंग, लेकिन दोस्तों ये चीज़ समझो, जनरली जो लोग मेरे पास आते हैं बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, वो बहुत डेस्परेट होते हैं, नीडी वाइब्रेशन में होते हैं कि मैम बस जादू करिए हो जाए, मैम आपका कोर्स लिया और रातों रात चमत्कार हो जाए, मैम मुझे घुट्टी दे दो पी लूँ और बस काम हो जाए। नो, इट्स डजंट वर्क लाइक दैट, अंडरस्टैंड इट। यू नीड टू बी काम, आपको वो अच्छे वाइब्रेशन में रहना होगा, प्यार की वाइब्रेशन में, खुशी की वाइब्रेशन में, और आपको पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव फीलिंग, आपको पॉजिटिव फीलिंग पर फोकस करना है। हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव फीलिंग। यू नीड टू बी इन अ गुड फीलिंग स्टेट जब आप ये एंजल नंबर देखो। आप अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी ड्रीम कार, या आप अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने भीतर जाओ, मेडिटेट करो, देखो कि मैं उस समय क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ, तो आप सही राह पे जा रहे हो, आप कंटिन्यू करो। देखो कभी कभी जो हम चाहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग होती है हर चीज़ की, चीज़ें परमात्मा हमें देता है, बट मे बी इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, ठीक है। तो वो जो टाइम है वो एक मैनिफेस्टेशन का जेस्टेशन पीरियड होता है, उस समय हमें लगता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन तो आ नहीं रहा, क्योंकि हम उसको अपनी इन आँखों से, फिजिकल आइज से देख नहीं पाते, बट इट डजेंट मैटर कि आप उसको देख नहीं पा रहे, बट यू आर फीलिंग दैट थिंग,
है ना। सो व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू नो दैट इट्स कमिंग एंड स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी और उस राह पे चलते जाओ, अपनी सोच को अलाइन करो। और जब आप सोच को अलाइन करोगे तो क्या होगा कि आपको इम्पल्सेस आएंगे। जैसे अभी मैं बताती हूँ कि अभी एक तरह की जीन्स चली हुई है जो कार्गो की तरह होती है और मुझे वो जीन्स बहुत अच्छी लगी। मैंने ऑनलाइन भी देखा पर ऑनलाइन में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। एक दिन मुझे इम्पल्स आया, मैं और विशाल मार्केट गए थे एंड वी थॉट अबाउट कि चलो हमें उस मार्केट चलना चाहिए। सो वी वेंट टू दैट मार्केट। हम वहाँ पे जैसे गए, हम लोग वहाँ पे टॉप लेने गए थे बट वी सॉ दैट जीन्स देयर। तो मैं क्या हुआ, वो जीन्स मुझे मिल गई ना, अल्टीमेटली आई गॉट दैट जीन्स। अब मैं सोचती रहती कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी एंड इट केम लाइक दिस। तो ऐसे होता है चीज़ें। तो मैं आपसे ये चीज़ बता रही हूँ कि यू नीड टू बी स्टे पॉजिटिव। और वो मील का पत्थर है, वो साइन दिखना, उसके लिए परमात्मा को थैंक यू दो, क्योंकि परमात्मा आपको बता रहे हैं कि योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग बट यू नीड टू काम, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू बी ईजी। और फिर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, जैसे ड्रीम जॉब है या आपको एक ड्रीम पार्टनर चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, आप नए लोगों से मिलोगे नहीं, तो आप कैसे ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। इफ समबडी इज रेडी टू मीट यू, यू नीड टू मीट दैट पर्सन। सो द सेम थिंग इज कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अभी आपका रोम रोम टिंगल करने लगे, नो आई हैव टू गो आउट एंड आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू मीट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज कमिंग इन माई लाइफ, उसकी मैं बात कर रही हूँ। सो जब भी आपको वलेवनल देखे, नेक्स्ट टाइम फेदर्स दिखे, बर्ड्स दिखे, यू नीड टू बी हैप्पी एंड यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि परमात्मा थैंक यू सो मच, मीन्स कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे साइन दे रहे हो कि यस इट इज़ कमिंग। सो आपको क्या करना, यू नीड टू बी इन द स्टेट ऑफ फीलिंग गुड, फीलिंग हैप्पी, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, देन उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है और उस राह पर जो आप कर सकते हो वो आपको करना है और रेस्ट परमात्मा को बोलो, गार्जियन एंजल्स को बोलो कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मैं इतना ही देख सकता हूँ, इतनी मेरी दृष्टि है, पर तुम्हारी दृष्टि तो सर्वश्रेष्ठ है, तुम मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर आपको इम्पल्सेस आएंगे, आपको किसी वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। फिर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, आपको खुश रहना है, आपको इजी रहना है, चिल आउट रहना है। मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि मज़ा तब है जब आप चीज़ों के प्रति भागो नहीं बल्कि परमात्मा आपको प्लेट में सजा कर वो चीज़ दे और अपने आप को उस वाइब्रेशन में लाओ। क्योंकि दौड़ते दौड़ते हमें दौड़ने की इतनी आदत पड़ गई है दोस्तों कि हम ठहरना भूल गए हैं। और मज़े की बात ये है कि जब तुम ठहर जाओगे ना तब तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है और उस क्लियर माइंड में तुम्हें सारी चीज़ें तुम रिसीव करने के लिए ओपन हो जाती हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते गाइस।